हाई एवरी वन, आई एम शिमाई। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। विशिंग ऑल ऑफ यू ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। प्रॉब्ली ये मेरा जो वीडियो होने वाला है ये इस साल का आखिरी वीडियो होगा और मैं नेक्स्ट ईयर आप लोग के लिए ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ हम लोग का फ्लोरिडा ट्रिप शेयर जो फ्लोरिडा ट्रिप का ब्लॉग है वो शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल गए हैं फ्लोरिडा के लिए। अगर आप लोग मेरे बाकी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा मेरे पेरेंट्स आए थे, तो हम लोग रिसेंटली न्यूयॉर्क ट्रैवल किए थे, नाइग्रा फॉल गए थे, और अभी हम जो हम लोग का लास्ट ट्रिप था वो था फ्लोरिडा। और तो अभी हम लोग सुबह से ही निकल गए हैं। हम लोग के घर से 10 आवर्स का जर्नी था, तो टोटल होते होते ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स हो जाता है। तो इसलिए ही ना हम लोग मॉर्निंग पे निकल गए थे ताकि हम लोग शाम होते होते पहुँच जाएंगे। और ये देखिए अभी हम लोग फ्लोरिडा पहुँच गए हैं। तो ये देखिए हम लोग होटल पहुंच गए हैं। हम लोग पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे और अभी चेक इन भी हो गया है। जो होटल पे हम लोग रुके थे उसका नाम था टाउन प्लेस सूट्स बाय मैरियट। बहुत ही अच्छा होटल था। मैं आप लोग को क्विकली उसका एक रिव्यू भी दे दूंगी। और ये दो होटल मिक्स था, बाय मैरियट ही स्प्रिंग सूट्स एंड ये टाउन प्लेस एंड सूट्स करके। तो अभी हम लोग मैं आप लोग को एक क्विक सा होटल रूम टूर दे दूंगी। अगेन जैसे हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं एक किचन हो, तो उसके हिसाब से हम लोग एक किचन वाला ही प्रेफर किए हैं रूम। तो जैसे आप लोग एंटर होते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे हम लोग का किचन है, फ्रिज है, डिशवॉशर है, माइक्रोवेव है, किचन है, और किचन के अंदर आप लोग को आराम से बर्तन भी मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा था। आई रिमेम्बर जब हम लोग के इन लॉज आए थे ना, तो उसी टाइम पे भी हम लोग मैरियट का ही एक होटल बुक किए थे। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। हम लोग इस टाइम पे भी ढूंढ रहे थे बट वो वाला लोकेशन पे नहीं मिला, बट इट इज़ द सेम होटल बट इन अ डिफरेंट लोकेशन। तो ये एक क्लोजेट था जहाँ पर आप लोग को आयरन बोर्ड से लेकर आयरन सब कुछ मिल जाएगा। फिर आफ्टर द किचन यहाँ पे एक छोटा सा 4 सीटर डाइनिंग टेबल भी है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ही रूम पे 5 पीपल के हिसाब से बेड लें। तो 2 क्वीन बेड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 क्वीन बेड है, एक टीवी है, एक छोटा सा सोफ़ा है, और रूम भी काफ़ी स्पेसियस था। अगर आप पूरा देखोगे तो बिल्कुल भी ऐसा कंजेस्टेड उस टाइप का नहीं था। और उसके अलावा जो है यहाँ पे बाथरूम है। तो ओवरऑल जो है हमें बहुत ही अच्छा लगा होटल। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इनके अगर आप लोग जा रहे हो तो। और जो लोकेशन भी है ना वो काफ़ी अच्छा था। यूनिवर्सल और डिज्नी के हिसाब से हम लोग पूरा पास में ही लिए थे। और यहाँ पे ना एक गेम रूम भी था होटल के जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही। तो प्रिशा को बहुत मन था कि वहाँ पे वो एक दिन खेले। तो ये है देखिए नेक्स्ट डे, डे 1। तो हम लोग सुबह उठ के आराम से नहा धो के हम लोग तैयार होके आ गए हैं। और यहाँ पे ना फ्री ब्रेकफास्ट था, बुफे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आई थिंक 6:30 के अराउंड शुरू हो जाता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो कोई भी आता है ना यहाँ पे हर कोई स्पेशली वो डिज्नी, यूनिवर्सल, सी वर्ल्ड ये सब देखने के लिए आते हैं। तो जल्दी ही उठ के जाना रहता है, तो जल्दी में उनका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, नहीं तो अगर आप लोग एयरपोर्ट के लिए भी जा रहे हो तो। बस ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोग का और अभी हम लोग निकल गए हैं। हम लोग के जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है यूनिवर्सल स्टूडियो। तो हम लोग का 3 प्लेसेस था। फर्स्ट डे हम लोग का था यूनिवर्सल स्टूडियो। तो अगेन हम लोग पहले से ही ना जब हम लोग घर पे थे तो हम लोग टिकट बुक कर चुके थे।
और जब हम लोग बुक कर रहे थे डिज्नी का, हम लोग का हर रोज़ नहीं मिल रहा था, तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दिए कि जिस दिन जो चीज़ हम लोग को मिल रही थी उसके हिसाब से हम लोग बुक किए थे। हम लोग का जो तीनों डेस्टिनेशन था वीकडेज़ पे हम लोग रुके मतलब बुक किए थे। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग घर से ही बुक करके चलिए कि कौन सा किस दिन अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो था जैसे बताया यूनिवर्सल था, और हम लोग का जो फर्स्ट राइड था वो था मिनियन राइड्स। मैं यहाँ पर आप लोग को शेयर नहीं कर पाई थी। अगेन हम लोग को ये था कि हम लोग को बहुत राइड्स में नहीं बैठना था, एंड यूनिवर्सल स्टूडियो इज़ मोर ऑफ लाइक वर्चुअल राइड, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे जो 3D 4D टाइप का राइड रहता है। तो ये देखिए, ये था ट्रांसफॉर्मर का 3D राइड। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो राइड है ना, आप लोग को पूरा राइड पे इस टाइप का बैठना नहीं होता, आप लोग को वो चश्मा देंगे, वो 3D चश्मा जो रहता है ना आजकल मूवी जिस टाइप का देखते हैं उसी टाइप का, और आपको ऐसा फील होगा कि आप सही में बैठ रहे हो राइड पे, इंस्टेड वो उतना एक्चुअल वाला राइड नहीं होता है। तो इसलिए था क्योंकि मुझे भी राइड को थोड़ा सा डर है, मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो लोग भी नहीं बैठ सकते। हाँ, मेरे हस्बैंड और प्रिशा को वो लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बस अभी एक एक करके हम लोग जा रहे हैं राइड्स करने के लिए। मैं यहाँ पे आप लोग को हर राइड जो है कवर नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल। अभी हम लोग आ गए हैं हैरी पॉटर वर्ल्ड, और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द लाइक बिजिएस्ट एंड द क्रेजीएस्ट लाइन एवर। यहाँ पे हम लोग लाइन पे रुके थे ऑलमोस्ट 1.5 to 2 आवर्स। आई रिमेम्बर जब प्रिशा नहीं हुई थी 7 years back आई गेस, मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार गए थे आई थिंक LA पे शायद वो था। तो वहाँ पे भी हम लोग यूनिवर्सल गए थे, और वहाँ पे भी हैरी पॉटर जो वर्ल्ड है वो हमेशा ऐसे ही क्रेजी है, बहुत लाइन लगती है। और यहाँ पे भी इतना ही लाइन था, बहुत लाइक 1.5 घंटे से 2 घंटे का लाइन था। और यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट उस दिन ना बारिश भी बहुत ज़ोर से हो गई थी। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैरी पॉटर वर्ल्ड। जिन जो लोग मूवी देखे उन लोगों को पता होगा, और ये लोग ना आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि सही में लोग हैं, बट नहीं है, दोज आर रोबोट्स ओनली। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैरी पॉटर वर्ल्ड, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे प्रिशा एक मैजिक वंड खरीदी है, तो आप लोग वहाँ पे ना मैजिक कर सकते हो उनके स्पेल के, यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर ही कुछ कुछ पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे प्रिशा देखिए मैजिक करके बारिश कर रही है, और माँ वो छाते के अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं। ये देखिए बारिश लाइक वो अम्ब्रेला के नीचे से पानी भी आ रहा है। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं और कुछ कुछ राइड्स बैठने के लिए, जैसे सिम्पसन्स राइड और कुछ कुछ राइड्स था। फ्रैंकली बोलूँ तो एक दिन सफिशेंट नहीं होता है, क्योंकि वीकडेज था तो काफ़ी जल्दी भी बंद हो रही थी। आई थिंक 6:30 में ऐसा कुछ लास्ट राइड था उनका। और तो आई वुड सजेस्ट कि 2 दिन पकड़ के आप लोग चल रही है। और बहुत क्योंकि लाइन आप राइड्स कंप्लीट कर सकते हो, बट थिंक कि आप लोग को इतना लाइन पे रहना होता है ना, ऐसे एक एक राइड पे कभी 60 मिनट्स, कभी 30 मिनट्स, 90 मिनट्स, तो उसके हिसाब से ही ना बहुत टाइम चला जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ राइड्स कर रहे हैं। प्रिशा बिल्कुल नहीं डरती है, और मेरे डैडी को जो ना तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, तो वही प्रिशा उनको चिढ़ा रही थी कि आप क्यों ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो, आप राइड को आपके हिसाब से कंट्रोल करो करके। तो बस यही था हम लोग का राइड यूनिवर्सल का। फिर टाइम हो गया था 6:30 to I think 7 o'clock जो है लास्ट राइड था। अभी हम लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो से। लास्ट पे यहाँ पे एक स्टोर था, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गए थे कुछ कुछ मैग्नेट्स लेने के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, जब मेरे इन लॉज आए थे तो हम लोग सी वर्ल्ड गए थे, बट अगर आप लोग को राइड्स नहीं बैठना है ना, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी यूनिवर्सल ट्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द थिंग जो है 3D 4D राइड है। सी वर्ल्ड पे जो ना काफ़ी बड़ा बड़ा राइड्स है, तो हम लोग लास्ट टाइम ऐसा कुछ कर नहीं पाए थे, तो इसलिए दिस टाइम वी ऑप्टेड टू गो फॉर यूनिवर्सल। सो हियर कम्स Day 2। ये नेक्स्ट डे है, सुबह हम लोग उठ के आ गए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है,
और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन डे टू जो कि था मैजिकल किंगडम यानी कि डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी के भी बहुत सारे हैं, एनिमल किंगडम है, मैजिक किंगडम है, वैसे बहुत कुछ है, लेकिन जो मोस्ट फेमस जो रहता है वो है मैजिकल किंगडम। तो अभी हम लोग वहीं पे ही जा रहे हैं। अगेन इसके लिए भी हम लोगों ने पहले से टिकट बुक करके रख दिए थे। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मैजिकल किंगडम। और इस साल ना ये हम लोग का सेकंड टाइम था, कुछ महीने पहले ही हम लोग फ्लोरिडा गए थे। उस टाइम जब मेरे इन लॉज आए थे, मैं वीडियो आप लोग के साथ उस टाइम का शेयर नहीं कर पाई थी, तो हम लोग को ना काफ़ी आइडिया, मतलब क्योंकि रिसेंटली विजिट किए थे ना, तो हम लोग का आइडिया हो गया था। वैसे ये तो हम लोग का थर्ड टाइम विजिट था, हम लोग 7 साल पहले भी एक बार गए थे जब प्रिशा नहीं हुई थी, फिर अभी रिसेंटली इसी साल गए थे जब मेरे इन लॉज आए थे, और ये थर्ड टाइम्स जब मेरे पेरेंट्स आए हैं। तो अभी हम लोग कार यहाँ पे पार्क कर दिए हैं। इस टाइप का हम लोग का एक ट्रॉली टाइप का, बस ट्रेन टाइप का आता है, आपको अपने गाड़ी जो है कार पार्क करके फिर यहाँ पे बैठ के आपको जो है टिकट सेंटर तक जाना रहता है, जो कि उनका जो मेन एंट्रेंस है। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा चेक करते हैं और यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं वो लोग कि किस टाइम पे कौन कौन सा ऐसा शो है। स्पेशली जो परेड शो होता है वो बहुत फेमस है गाइस, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि वो मिस मत कीजिएगा। अगर उसी दिन परेड शो हो रहा है तो आप वो सब ऑनलाइन पर भी चेक कर सकते हो, परेड शो, फिर नाइट जो फायरवर्क शो होता है वो, एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ डिज्नी वर्ल्ड। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए थे वहाँ पे मिकी माउस मिनी माउस की जो है पैरेड चल रही थी। एंड इफ़ यू नो मिकी माउस इज़ द फर्स्ट डिज्नी कार्टून कैरेक्टर। तो अभी वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और फिर वो देखने के बाद जो है हम लोग का जो है सब एक एक करके राइड शुरू हुआ। वहाँ पे वैसे बहुत सारे पैम्पलेट मिल जाते हैं एंट्रेंस पे ही, जहाँ पे आप लोग यू नो गाइडेड मैप होती है, तो आप लोग चूज़ कर सकते हो आपको कौन कौन सी जगह पे या फिर कौन कौन सी राइड को जानी है, किस किस डायरेक्शन में है करके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है अलादीन वाला जो कारपेट था वो राइड था, हम लोग वहाँ पे भी गए थे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट राइड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फिर वर्ल्ड करके हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और मैं रेकमेंड करूँगी आप लोगों का तो फ़ोन पे जो है ना उनका जो ऐप वो डाउनलोड कर दीजिए, तो वो डाउनलोड करने से ना आपको पता चल जाता है, इवन दो आप वहाँ पर नहीं गए हो पता चल जाएगा कितना वेटिंग टाइम है करके। तो बस हम लोग जो है अलादीन का वो कारपेट राइड किए, उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं ये हॉन्टेड मैंशन करके है। तो यहाँ पे भी डिज्नी का ना यही है यहाँ पे कि बहुत सारे राइड्स होती हैं, बट द वेटिंग टाइम्स आर रियली रियली वेरी वेरी लॉन्ग, तो उसमें ही टाइम चला जाता है। अगेन फ्लोरिडा का जो वेदर है अच्छा रहता है, और हम लोग जब गए थे ना वो आई थिंक नवंबर अक्टूबर एंड पे था, तो वेदर भी बहुत अच्छा था, इनफैक्ट काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। तो वो हॉन्टेड मेंशन किए, अभी हम लोग पहुंच गए हैं इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड करके, और ये ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड रहता है। ये राइड तो नहीं होता, बस एक बोट राइड होता है, जहाँ पे बोट पे बैठ के ना आपको डिफरेंट वर्ल्ड में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्री हैं और उनके मतलब सारे चीज़ आपको दिखाएंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है।
तो अभी स्मॉल वर्ल्ड हो गया है, अभी हम लोग वहाँ से निकल के आ गए हैं नियर टू द ब्यूटीफुल प्रिंसेस कैसल। आप लोग देखे होंगे डिज्नी के जितने भी पोस्टर होते हैं या फिर जो भी होता है, ये कैसल दिखाया जाता है। ये जो है उनका फ्रंट साइड का कैसल का व्यू है, बहुत ही सुंदर लगता है। रियली लुक्स लाइक द ड्रीमी वर्ल्ड। और जो प्रिंसेस का जो कैसल होता है वही है। और लकीली उस दिन पैरेट शो भी था, तो यहाँ पे हर कोई जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं पैरेट शो देखने के लिए जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैसल। तो अभी आप लोग भी एंजॉय कीजिए डिज्नी का पैरेड।
तो यस गाइस, वो था डिज्नी का पैरेंट शो, बहुत ही अच्छा लगता है, डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं कार रेसिंग के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ट्रैक पे कार हैं, और आप लोग को ड्राइव करने के लिए बच्चे लोगों को भी मौका मिलता है। कुछ नहीं है, बस एक ही पेडल होता है एक्सीलेटर, जो आपको प्रेस करना रहता है, बंद कर दोगे तो फिर वो बंद हो जाएगा गाड़ी, और हाइट के हिसाब से वो लोग अलाउ करते हैं, दो दो लोगों को, इनफैक्ट एक एक बच्चे लोगों को भी कर रहे थे। बट मैं और प्रिशा बैठे थे एक गाड़ी पे, एक गाड़ी पे मेरे हस्बैंड और एक गाड़ी पे माँ और डैडी, तो बहुत अच्छा लगा वो भी, यू नो, कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस। प्रिशा ड्राइव कर रही थी और एक जगह पे जो है माँ ड्राइव कर रहे थे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक ट्रेन टाइप का ही राइड रहता है, बस ऐसे ही, जो पूरा ऊपर से यू नो पूरा डिज्नी का एक व्यू देता है। तो लास्ट अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक माउंटेन, स्पेस माउंटेन टाइप का ऐसा कुछ था शायद, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक नॉट स्पेस माउंटेन, ये कुछ रॉकेट टाइप का था, तो ऊपर पे था, तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो अगेन मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, काफ़ी भीड़ रहती है, वेटिंग टाइम ही ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स हर एक राइड पे रहती है। लास्ट पे ये मैरी गो राउंड हम लोग आए थे, जो प्रिशा को बहुत यू नो अच्छा लगता है, और इनफैक्ट हर बच्चे को अच्छा लगता है, तो अभी हम लोग को लगा के चलो थोड़ी देर के लिए सही, तो मैरी गो राउंड चलते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल राइड वॉज ये कप प्लेट राइड, जहाँ पे आपको कप प्लेट पे बैठ के ऐसे आपको घुमाना रहता है टेबल को, जितना आप घुमाओगे उतना स्पीड से जो है और उसी डायरेक्शन पे जो है आपका कप प्लेट इस टाइप का घूमेगा। तो बस यहाँ पे प्रसाद 2 बार बैठी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसा रहा हम लोग का डिज्नी का ट्रिप, और वंस अगेन आपको जितना करो उतना ही टाइम कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेटिंग टाइम एंड ऑल द राइड्स। तो आप लोग चाहो तो दो दो दिन कवर कर सकते हो, हम लोग का जो है था कि 3 डेज़ का ही हम लोग रखे थे, तो हर चीज़ को जो हम लोग वन वन डे ही दिए। फिलहाल अभी हम लोग ऑन द वे रिटर्न कर रहे हैं, इस दिन काफ़ी जल्दी बंद हो रहा था क्योंकि आई थिंक बिफोर हेलोवीन का ये था। नॉर्मली जो है आपको फायरवर्क्स भी देखने को मिलता है रात के 8 और 9 o'clock, इस दिन नहीं था, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर आप हो सके तो फायरवर्क ज़रूर अटेंड कीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिनर करने के लिए बाहर चले गए थे ऑलिव गार्डन, और अभी हम लोग होटल पहुंच गए हैं। जैसे मैं आप लोग को बताई ना, एक गेम जोन था, तो प्रशा पे वहाँ को वहाँ गेम खेलना था, आपको पैसा दे के कार्ड खरीद के फिर गेम खेलना रहता है, तो वही उस दिन रात को प्रशा थोड़ी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गेम खेली। अभी ये है डे 3, जो हम लोग का यू नो लास्ट डेस्टिनेशन ट्रिप था, तो अभी हम लोग सुबह ही निकल गए हैं। तो लास्ट डेस्टिनेशन था नासा कैनेडी स्पेस सेंटर, जो थोड़ा सा दूर था हम लोग के होटल से, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 to 45 मिनट्स का रास्ता था। तो हम लोग निकल गए हैं सुबह एज़ यूजल ब्रेकफास्ट करके ही। और ये देखिए हम लोग कैनेडी स्पेस सेंटर नासा जो है पहुंच गए हैं। फ्लोरिडा जाओ और नासा ना जो अच्छा नहीं लगता थोड़ा, तो यू नो देखने को मन करता ही करता है, जाने के लिए मन करता है कि एक्चुअली मतलब स्पेस सबके यू नो के पीछे के क्या होता है और क्या नहीं। तो ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, अगेन हम लोग ये भी ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिए थे, आई एम नॉट श्योर शायद वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। और इसी दिन ना काफ़ी ठंड थी फ्लोरिडा के वेदर के हिसाब से, फर्स्ट 2 डेज़ वॉज रियली रियली हॉट, और इस दिन इतनी हवा, ठंडी हवा चल रही थी ना, लकीली हम लोग जैकेट लेके गए थे। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, आप कभी भी जाओ कहीं भी घूमने जाओ, जैकेट लेके जाओ आपके साथ, एंड वंस अगेन स्ट्रोलर इज़ ए मस्ट अगर आपके पास बेबी हैं तो, स्पेशली फॉर यूनिवर्सल एंड डिज्नी वर्ल्ड।
तो अभी हम लोग फर्स्ट जो गए थे हम लोग का आईमैक्स थिएटर पे नासा कुछ कुछ मूवी चलते हैं 40 मिनट्स का। डिपेंड करता है कि ना आप कौन सा मूवी चूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप चूज़ करके 40 मिनट्स का एक मूवी देख सकते हो। इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। तो इट्स ऑल अबाउट रियल स्टोरी कि आप लोग वो लोग दिखाते हैं कि साइंटिस्ट लोग कैसे जाते हैं वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करते हैं, एस्ट्रॉयड क्या होता है वो सब। तो आप लोग डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। फिर अभी हम लोग बस पकड़ के ना और एक जगह पे आ गए हैं, नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का जर्नी था ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे एक आपको रियल रॉकेट देखने को मिलेगा जो स्पेस उस टाइम पे गया था। तो वो सब देखने के लिए वहाँ पे फर्स्ट जो मून पे ह्यूमन जब लैंड किए थे तो वो क्या था, तो उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पे दिखाते हैं। वो लोग वहाँ पे स्टोरी सब बताते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। तो वो सब जब आप सुनोगे ना तो वो फीलिंग से अलग होती है, बहुत डिफरेंट लगेगा आपको उस टाइम में। सोच के भी कि कैसे इंसान पहले गए थे, क्या क्या चीज़ बिहाइंड द सीन, या फिर जाने से पहले उन लोग को क्या क्या करना रहता है, जाते हैं तो कैसे सर्वाइव करते हैं। कभी उम्मीद नहीं होती कि वो लोग वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स होती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ गोइंग एंड वर्थ सीइंग एवरीथिंग। तो बस आप लोग भी देखिए यहाँ पे। और मैं लास्ट टाइम भी जैसे बता रही थी ना, कुछ महीने पहले हम लोग गए थे, तो यहाँ पे वो लोग एक दिखा रहे हैं स्पेस पे जो प्लान किए थे स्पेसशिप, तो किस टाइप का हुआ था, एक बस मिमिक टाइप का करके बता रहे हैं। तो जैसे मैं बता रही थी ना, अभी कुछ महीने पहले हम लोग भी गए थे, तो आई वुड डेफिनेटली सी द डिफरेंस कि वो लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। ये जो सब था ये डेफिनेटली कांस्टेंट था, बट कुछ कुछ चीज़ जो है वो लोग ऐड किए थे। तो बस वहाँ पे हम वहाँ से हम लोग आ गए हैं, थोड़ा बहुत हम लोग लंच भी कर लिए, हम लोग को करके ही घर होटल से लेके आए थे। तो बाहर पे बैठ के हम लोग लंच किए और उसके बाद फिर से हम लोग को कुछ कुछ जो देखना था वो यहाँ पे देखने के लिए अंदर आ गए हैं। और जैसे कि बताई रही थी ना लास्ट टाइम से, ये इस टाइम कुछ कुछ अलग वो लोग ऐड किए थे। तो यही है वो एक चीज़ जो मुझे लगा कि लास्ट टाइम नहीं था। दिस इज़ मोर ऑफ लाइक ए 4D राइड टाइप का, जो आपको आप बहुत ही अच्छा लगा। आप अगर अब जा रहे हो ना तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट भी है और आपको कुछ कुछ चीज़ जो है एक्सपीरियंस करने के टाइप का लगेगा। जैसे और एक राइड था जो आपको जब रॉकेट जाता तो किस टाइप का आप फील कर पाओगे वो था, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हम लोग गए थे वो बंद हो चुका था। तो आप लोग एक बार टाइमिंग भी ज़रूर चेक कीजिएगा, 30 मिनट्स बिफोर द क्लोजिंग टाइम वो जो है वो बंद हो जाता है। ये फिर कुछ था एटलांटिस के बारे में। तो अगर आप लोग गूगल पे पढ़ोगे नहीं तो अब जब जाओगे ना वो वहाँ पे आपको एक एक करके पूरा स्टोरी जो है वो बताते हैं। तो बस उसके बाद जो है हम लोग एक रियल साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट से भी मिले थे, कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए, और उसके बाद जो है हम लोग का नासा का जो टूर जो है वो ख़त्म हो गया और अभी हम लोग निकल के वापस आ रहे हैं। ऑन दी वे जो है हम लोग को लगा कि हम लोग थोड़ा सा कोकोआ बीच जाते हैं, क्योंकि फ्लोरिडा गए हैं और कोकोआ बीच जो है वन ऑफ द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट बीच, जब हम लोग US आए थे तो पहली जो बीच जो है वो गए थे कोकोआ बीच, एंड वे लैंडेड ऑन फ्लोरिडा फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी लैंडेड ऑन इन US। तो हमें लगा कि चलो एक बार जाते हैं, मेमोरी को रिलिव करते हैं। तो बस अभी हम लोग ऑन दी वे हैं कोकोआ बीच।
तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए कोका बीच पेयर पे। वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किए बट अगेन क्योंकि वो ऑलमोस्ट समर एंड था तो इतने लोग तो नहीं थे एंड उस दिन काफ़ी ठंड थी, बहुत ज़ोर से हवा भी चल रही थी। बट हाँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर टाइम स्पेंड किए, अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग होटल निकल गए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बीच की व्यू जो है बहुत ही सुंदर थी। बहुत मन कर रहा था और थोड़ी देर के लिए रुके और मेमोरी को रिलीव किए, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि बताई, उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे और उस दिन हम लोग रात में रुक गए, आराम से डिनर विनर किए और आराम से रेस्ट कर लिए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किए और फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं हम लोग के घर के तरफ। और प्रिशा को जो है फॉर द लास्ट टाइम अगेन यहाँ पे उसको खेलना था, तो वो फिर से बोल रही थी गेम सेंटर जाके फिर से खेलें। बट अगेन हम लोग को फिर लेट हो रहा था इसलिए हम लोग निकल गए, क्योंकि फ्लोरिडा टू आर होम नॉर्थ कैरोलिना ऑलमोस्ट 12 आवर्स लग जाता है, 10 आवर्स ड्राइव। बट अगेन बीच बीच में जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं तो और 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है। और ये देखिए, ये था होटल का आउटसाइड का व्यू। जैसे कि मैं बता रही थी ना, टाउन प्लेस सूट्स बाय मैरियट एंड स्प्रिंग हिल सूट्स दोनों मिला के ही था। एंड इट्स अ रियली गुड होटल। अगर इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू यू नो गो एंड हैव ए विजिट, एंड इट्स नॉट वेरी लग्जरियस और बहुत यू नो हाई पॉकेट टाइप का, उस टाइप का भी नहीं था, बजट में ही था। तो इट्स रियली गुड वन, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। तो उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे घर की ओर एंड ऑलमोस्ट हम लोग को 10 to 12 आवर्स लग गया था और हम लोग जो है रात में पहुंच गए थे। लास्ट टाइम हम लोग था कि हम लोग नासा से ही डायरेक्ट निकल गए थे तो बहुत हेक्टिक हो गया था। सुबह घर में पहुँचते पहुँचते हम लोग को अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 3 to 4 हो गया था, इसलिए दिस टाइम वी डिसाइडेड कि हम लोग नासा से फिर होटल चले जाएंगे, रात में आराम से रेस्ट लेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे, तो आराम से जो है रात तक पहुँचते यू नो घर तक पहुँच जाएंगे। तो गाइज बस यही था मेरा आज का जो है फ्लोरिडा ट्रिप व्लॉग। मैं कोशिश की हूँ जितना हो सके आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँ, थोड़ा बहुत जो है टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँ कि आप लोग कैसे इंडियन पेरेंट्स के साथ या फिर बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कैसे घूम सकते हो। अगेन स्ट्रोलर, किचन, वो सब जो है मस्ट इनकेस अगर आप लोग यू नो वो सब को ध्यान में रख रहे हो। तो आई होप आप लोग को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वंस अगेन गाइज, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी। फिर से मिलते हैं मेरे और एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।